दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। तेना कोई लाके दे सकता, मंगे तो इज्जत जाती, नहीं मंगे तो गुजारा नहीं होता। मेहनत करे तो मेहनत भी करने नहीं दे रहे, हम क्या करना बोलो, इससे बेहतर है नलों के पानी में जहर मिला दो पी ले के सो जाते सब। वालेकुम भाई, दो साल पहले जो है सो हमारे को यहाँ से बर्खास्त करा दिए थे साहब, दो साल के बाद में फिर एक साल तक पूरा कंटिन्यू हमारे को बंद करा दिए दुकान। एक साल में हम बहुत परेशानियाँ उठाए, बहुत तकलीफ़ा उठाए, सूद का कर्ज़ा हो गया या अवल करने नहीं दे रहे, आखिर नहीं करने दे रहे, बल्कि कर्ज़ा लेके मैं काले पत्थर में एक दुकान डाला था कपड़ों की दुकान डाला, करीब मैं वहाँ पर 3-4 लाख रुपये लगा दिया। लगाने के बाद में वो दुकान भी नहीं चली साहब, एक साल डेढ़ साल जो है तो मैं वहाँ पर ख़राब हुआ, दुकान में मुनाफा भी नहीं हुआ, उल्टा दुकान में 1000-1500 रुपये महीने को जेब से जा रहे थे। एक साल के बाद में फिर इधर दुकाना खोल दिए, खोलने के बाद में आके हम फिर जो है वहाँ पहले कर्ज़ा कर लिए थे, फिर यहाँ पर कर्ज़ा करके हमारे को दुकान लगाने की इजाज़त दिए, बल्दिया का परमिशन भी दिए, ट्रैफिक वाले मैडम भी आए थे, मुर्तुजा भाई भी आए थे, महल्ले के बड़े लोग मिलके सब जने मिलके ठहरा के दुकाना खुलाने लगाए साहब, बराबर है दुकाना खुलाने लगाए। हम लोग चल रहे थे, हमारी भी गलती है, साथ में हमारे भाइयों की भी गलती है, जो जो है रोड के ऊपर ओवर लोड करके दुकाना ट्रैफिक को तकलीफ़ दे रहे थे, ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रहा था साहब। अब ऐसा अचानक हमारे को दुकाना उठा लो कर लो बोले तो हम बीपी पेशेंट शुगर पेशेंट है, बहुत खर्चा है हमारे को, खर्चदार खामोश बैठते नहीं, परेशानी है। ज़रा बोल बोल के हमारा नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, मगर रोज़ पैसे बनना रहा था परेशानी। नहीं नहीं दिए साहब, अचानक आके उठा दिए। अरे बोले थे ऊपर आके लो बोल के, ऊपर ऊपर एक बंडी लगा लो बोले थे साहब, एकदम बर्खास्त करते थे नहीं मालूम था ये तो। सामान रोड पे तोड़ दिए गए थे वो साहब, बंडी के ऊपर डाल के, मगर खर्चे का जो परेशानी है खर्चा नहीं खामोश बैठ रहे साहब। अब 2-3 साल से हम ले गए इंटरेस्ट का कर्जा लेके कर रहे थे कारोबार, अब वो भी कर्जा जो है सो देना पड़ रहा है। अब काम भी नहीं रखेंगे, काम भी नहीं करें तो कहाँ से लाके घर चलाएंगे, कहाँ से खर्चा फेड़ेंगे भाई, घर चलना, खर्चदारों को देना, चिट्ठी में पैसे देना, 2-3 साल से कंटिन्यू एक नॉर्मल आदमी तकलीफा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ना मंग के खा सकते, ना कोई लाके दे सकता, मंगे तो इज्जत जाती, नहीं मंगे तो गुजारा नहीं होता। मेहनत करे तो मेहनत भी करने नहीं दे रहे, हम क्या करना बोलो, इससे बेहतर है नलों के पानी में जहर मिला दो पी ले के सो जाते सब। आज मलकपेट बलिया से मलकपेट फायर स्टेशन से SRDP वर्क में फ्लाईओवर ब्रिज का काम चालू हो रहा, इसके वजह से पूरा रोड पे एंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गया, वो अब बड़े ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शन के हिसाब में वो रोड क्लियर करने के वास्ते आज स्पेशल ड्राइव लगाया, ऐसा है एवरी थर्सडे एक स्पेशल ड्राइव लगाते एंक्रोचमेंट जो जो है निकालने का, मिनिमम कम से कम 30-35 एंक्रोचमेंट्स है पूरा क्लियर कर दिया आज। सर मगर जो आप क्लियर करें बंडी वाले बोल रहे हैं कि इंटीमेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी एक्चुअली 15 डेज से कंटिन्यूली डेली 2 टाइम्स उन लोगों को बोल दिया, थोड़ा निकाल दिया इसके पहले से, जैसे अभी आज कम है इसके पहले ज़्यादा है, बोलने की वजह से ऑलरेडी निकाल दिया, नहीं बोले बोल के वो गलत है। लोग बोल रहे हैं कि ऊपर उठाने का परमिशन लिए, नीचे से तोड़ने का परमिशन लिए थे, ऊपर का नहीं लिए, मगर पूरा जो है तोड़ दिए पूरा, जितना भी था माल कुछ तोड़ने का चांस भी नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा बंडिस है, विदाउट व्हील्स का बंडिस लिफ्ट कर दिया, जो ट्रैली के हिसाब में वो दूसरा जगह को शिफ्ट कर दिया, वो सीट वेंडर का पॉलिसी में खाली बंडी रखना, परमानेंट स्टॉल नहीं रखना, वो लोगों को अलाउ करते बंडी के वास्ते, बंडी लगाए तो मूवेबल है ना, सुबह आता है शाम को जा चले जाता, उसको अलाउ है सीट वेंडर पॉलिसी में, वो भी एक कोने में लगा लेना, एकदम रोड पे लगा रहे, पब्लिक तकलीफ नहीं करना। बताओ भाई, मैं यहाँ पे 2012 से स्टॉल लगाता हूँ मोबाइल टेम्पर ग्लास का, मोबाइल सीरीज का, ऑलरेडी मेरे पास कार्ड बना हुआ है ना, मैं तो छोटा टेबल लगाता हूँ, अब ये लोग बोल रहे बल्दिया वाले बंडी लगा ले सकते बोल के बोल रहे, बंडी लगाते खाली बोलते, ये लोग पुलिस वाले आके फिर बल्दिया वाले आके पूरा माल डाल लेते,
मालदानी के माल वापस नहीं मिलता। एक तो फिर बाद में ये बोलते, आप बोल रहे मीडिया में आके बोल रहे कि बंडी लगा ले सकते, पूरा माल डाल लेते, सोप डाल लेते, आप लगा नहीं रहे। ऊपर से एक तो लॉकडाउन है, घर के खर्चे है, बच्चों के खर्चे है, फिर घर का किराया है, बच्चों के फीजा है, फुटपाथ पे रहने वाले 400-500 रुपये कमाते भाई, 400-500 रुपये टेम्पर गिलास में, मोबाइल का गिलास, मोबाइल असीरीज बेचते हैं यहाँ रोड पे बैठ के, वो भी नहीं लगाना, बोलते माल डाल लेते, चलो नहीं है चलो यहाँ आगे जाओ, बोलते नहीं कुछ, सीधा भिजा देते माल डाल लेते और अपने दिल में आ जैसा करते हैं, मीडिया में ये बोलते वो करेंगे ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिलहाल आप हम लोग क्या करेंगे, लॉकडाउन है, घर के किराए है, गए साल लॉकडाउन का किराया अभी पेंडिंग में मेरा, वो मेरा मकानदार अभी तक मेरे को उसको पेंडिंग में रखा मई, फिर अब ये 2 महीने का पेंडिंग में किराया है, बच्चे है, फीसा है, ये है, अब नहीं लगाना बोले, अब करना तो हम क्या करना, अब ये लोग बोल के तो चले गए बंडी पे लगा लो बोल के। अब मेरा तो टेम्पर ग्लास है, मोबाइल की छोटी दुकान लगती, छोटा टेबल लगा देता हूँ मैं, बस यही छे भाई, आपसे गुजारिश है मेरे भाई, जो भी बड़े हैं सबसे गुजारिश है हम लोगों की मदद करिए, फुटपाथ पे जीने वालों की, फुटपाथ पे हर कोई आके नहीं जीता भाई, किसी की मजबूरी भी है बोले तो फुटपाथ पे आके बैठ जाता हूँ, नहीं फुटपाथ पे बैठना कोई शान नहीं है, फुटपाथ पे बैठ के क्या है, अपना गुजारा करना भूल गए भाई, अगर पैसे खासे रहे मलगी लेके शोरूम डाल लेके बढ़ जाते थे भाई, फुटपाथ पे नहीं बढ़ते थे, फुटपाथ पे बढ़ने से कोई इज्जत तो नहीं रहती, मगर बच्चों के खातिर पेट पालने के लिए फुटपाथ पे आगे बढ़ना है मेरे भाई। देखिए आप लोगों से गुजारिश है, हम लोग जितने भी भाई फुटपाथ पे बैठते हैं सबकी मदद करिए, एक एक छोटा स्टॉल लगाने की परमिशन दीजिए भाई, आप KCR साहब से गुजारिश है, असद साहब से गुजारिश है, छोटी बंडी हम जितने भी भाई है फुटपाथ पे लगाने की गुजारिश है, आपसे परमिशन दीजिए भाई, छोटी एक बंडी लगाने की, मेरा तो एक टेम्पर ग्लास है, छोटा स्टॉल लगा लेता हूँ, आप परमिशन दीजिए, अल्लाह हाफिज भाई। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty. Faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.